मशहूर यूट्यूबर भुवन बाम एक वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं। सीरीज का नाम है ढिंडोरा और इसी की बात करने नमस्ते, मैं हूं सोनाली, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। पिछले दिनों इस सीरीज का पोस्टर ट्वीट करते हुए बाहुबली फेम डायरेक्टर SS राजामौली ने लिखा था, सुना है भुवन बाम इंडिया के पहले कॉन्टेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने उन्हीं कैरेक्टर्स को मिलाकर एक वेब सीरीज बनाई है जो वो अपने चैनल के वीडियोज में प्ले किया करते थे। मुझे बड़ी खुशी होती है कि यंग टैलेंट्स ऑडियंस के लिए इस तरह के नए आइडियाज लेकर आते हैं। मैं उन्हें ढिंडोरा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। किस बारे में होगी सीरीज? तो ढिंडोरा की कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की है जहां पर मतलब हर बात पर हल्ला कट जाता है। ब्रेकफास्ट से लेकर करियर चॉइसेस पे डिबेट चल रही है। पैसे की तंगी तो अलग है ही, मगर अचानक से इस फैमिली की 11 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाती है। लॉटरी की रकम मिली नहीं मगर खुशियां मनाई जाने लगी है। ये हमें इसलिए पता है क्योंकि सीरीज की शुरुआत ही इस डायलॉग से होती है कि हम मिडिल क्लास वालों की आदत है ना सपने पूरे होने से पहले उसे जी लेने की। मोहल्ले भर को बता दिया जाता है क्योंकि लॉटरी लगी है, यहीं से इस सीरीज को अपना टाइटल ढिंडोरा ये मिला। मगर इस सब के बीच भुवन के पिता की किसी वजह से डेथ हो जाती है, कभी खुशी कभी गम वाला सिचुएशन बन जाता है। मगर इस ट्रेलर को देखने भर से सीरीज की पूरी कहानी का पता नहीं चलता। ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है क्योंकि आजकल के टाइम में फिल्मों के ट्रेलर्स में ना पूरी की पूरी कहानी बता दी जाती है, इससे फिल्म देखने का मजा खराब हो जाता है। बुरी बात इसलिए कि ढिंडोरा का ट्रेलर थोड़ा सा अधूरा लगने लगता है। ट्रेलर में ये होता है कि आपको फिल्म या सीरीज के बारे में बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा, वो एक तरह से कॉन्टेंट का सिनॉप्सिस होता है। मगर ढिंडोरा के ट्रेलर में वो सर्कल पूरा नहीं हो पाया है। मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भुवन बाम का यूट्यूब स्टारडम अलग ही लेवल का है। वो आदमी कुछ भी क्रिएट करता है ना तो लोग लाइन लगा कर देखते हैं। अब कैसा है ट्रेलर? ढिंडोरा का ट्रेलर रिलीज होने के बाद कुछ घंटों बाद YouTube की ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर पहुंच गया था। इस सीरीज में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आपको आमतौर पर भुवन बाम के वीडियोज में देखने को मिलता रहता है। बस फर्क यह है कि वीडियोज में सिर्फ एक सिचुएशन होती है, यहाँ प्रॉपर एक पूरी कहानी बनाई गई है। ढिंडोरा में ढेर सारे मीम रेफरेंसेज मिलते हैं, जैसे मनोज तिवारी और डॉली बिंद्रा के बीच हुई बिग बॉस वाली ऑमलेट लड़ाई, जैसे दिल से बुरा लगता है वाला वायरल मीम और क्राइम पेट्रोल का स्पूफीकरण भी, एंड यस टिकटॉक जोक भी। मगर ट्रेलर देखकर लगता है कि ये सब कंटेंट के साथ कायदे से जा रहे हैं, कुछ आउट ऑफ द प्लेस नहीं लगता है। बाकी बातें सीरीज की रिलीज के बाद जरूर पता चलेंगी। वन मैन आर्मी भुवन बाम, इनकी बात करते हैं। इस सीरीज का कॉन्सेप्चुलाइजेशन और आइडिया भुवन बाम का ही है। साथ ही भुवन ने ढिंडोरा में वो सभी 9 कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जो वो अपने वीडियोस में प्ले किया करते हैं। अपनी इस सीरीज के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक और 3 गाने भी खुद भुवन ने ही बनाए हैं। हालांकि भुवन के अलावा इस सीरीज में आपको अन्य एक्टर्स भी दिखाई देंगे। अनूप सोनी इस सीरीज में क्राइम पेट्रोल से इंस्पायर्ड किसी शो के एंकर का रोल कर रहे हैं। ट्रेलर में हमें राजेश तेलंग भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा TVF वाले बद्री चवन भी ट्रेलर के कुछ सीन्स में दिखे हैं। कुल मिलाकर बढ़िया एंसेंबल लग रहा है। भुवन ने इस साल कुछ ही समय के अंतराल पर अपने माता पिता को खो दिया था। उसके बाद से अब तक उनकी कोई वीडियो रिलीज नहीं हुई है। वो सीधे ये सीरीज लेकर आ रहे हैं। कब और कहाँ आएगी? इस सीरीज को प्रोड्यूस किया है रोहित राज ने और डायरेक्टर है हिमांग गौर। सीरीज का स्क्रीन प्ले भुवन ने हुसैन और अब्बास दलाल जैसे पॉपुलर फिल्म राइटर्स के साथ मिलकर लिखा है। ढिंडोरा 14 अक्टूबर को बीबी की वाइंस चैनल पर ही रिलीज होगी। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप और आपके लिए ये स्टोरी लिखी हमारे साथी श्वेतांक ने। शुक्रिया।